अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सूरज ने जहां आग बरसानी शुरू कर दी तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की जेबों में आग लगाना शुरू कर दिया है। महंगाई से आम आदमी परेशान है क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी की गैस में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ गया है जिसके कारण सभी खाद्य सामग्रियां समेत सब्जियों के तेवर भी चढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई के चलते नींबू मिर्ची संग हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं जिसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा है और दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस समय इतनी महंगाई और गर्मी सर पे है, यानी गरीब आदमी जो कहीं नींबू और मिर्ची का सहारा लेता था आज वो उससे भी गैर गुजरा हो गया। यानी गर्मी में 10 रुपए का एक नींबू, बताइए, हम तो जब से बचपना हमारा बीता है पहली बार देख रहे हैं कि 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है और 15 रुपए 100 ग्राम 150 रुपए किलो मिर्चा। इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी। आम आदमी बहुत ही हद से ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ में कोई राहत नहीं है। पेट्रोल 105 रुपए हो गया है, डीजल 95 रुपए चल रहा है। हम तो साइकिल से आ रहे हैं, गाड़ी घर में खड़ी करेंगे। हर चीज़ की महंगाई है, राशन में लीजिए चाहे किसी चीज़ में लीजिए, इसमें बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ में महंगाई आएगी और ये इतना अत्यधिक बढ़ जाने से दिक्कत तो देखिए आम जनता सबको आएगा, क्योंकि ये आज सब्जी की ढुलाई, आज सब्जी का दाम जो चरम सीमा पे है और उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये पेट्रोल डीजल है। भाई आदमी बहुत परेशान हो गया है, ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। घर की गृहिणी इतनी परेशान है, आप सब्जी लेने जाए हम 100 रुपया देते हैं, वो क्या कहते हैं 200 लग गया, क्या किया जाए, कमाई है नहीं, धंधा है नहीं, इतने परेशान है हद से ज़्यादा। हर चीज़ बढ़ गई है, कोई चीज़ भी आप लेने जाइए दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।